نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سرتاب قدم ہے سرتاب قدم ہے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہل پھول زقل پھول بدل پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہل پھول بدل پھول زقل پھول واللہ 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 جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ 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 جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول پڑھئے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہل پھول زقل پھول بدل پھول کیا بات رضا کیا بات کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول معزز سامعین عزام حاضرین محفل مبارکہ مکرم اساتذہ کرام ادارہ صراط مستقیم کے معزز و محتشم اراکین عہدیداران اور میرے عزیز طلباء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فقیر جب کوئٹہ سے چلا تو کوئی ارادہ بھی یہاں آنے کا نہ تھا کیونکہ ہمیں ایک دن کے لیے وحید صاحب کی والدہ کے چہلوں پر آنا تھا اور پھر رخصت ہو کر کل ہماری فلائٹ ہے مگر بے ساختہ
बेसाख्ता मेरे दिल में आया कि अगर तुम लाहौर गए और वहां तुम एक मसलक के हक के तर्जुमान और राशिख फिल इल्म, राशिख फिल अकीदा और अपने अकीदे पर डट जाने वाले और उन लोगों में जिनका शुमार होता है कि मन इश्तद बलाऊ, अगर तुम उनके मदरसे जाकर उनके जानशीनान उनके इदारे के अराकीन की दिली तसल्ली का भी काम न कर सके तो फिर तुमने इस कुतुबुल बिलाद लाहौर में क्या किया। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्वर अल्फिसानी लाहौर को कुतुबुल बिलाद कहते हैं। इस कुतुबुल बिलाद में ऐसे अफराद का पैदा हो जाना और फिर उनका इस तरह मुबतला बबलाए हसन हो जाना, सूरह अनफाल में आप पढ़िए बला अन हसना, इस पे परेशान ना होना चाहिए। देखिए हमने अभी इमाम रब्बानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराया क्वेटा में, तो मैंने सोचा कि हजरत मुजद्दिद के किस पहलू पर गुफ्तगू होनी चाहिए, उनके तजदीदी कारनामे मुख्तलिफुल मसालिक को मुख्तलिफुल खियाल लोगों ने मुख्तलिफ जिक्र किए हैं, हमें किस नहज पर हजरत इमाम रब्बानी पर गुफ्तगू करनी चाहिए। तो मेरे दिल में आया कि इमाम अहमद इबन हम्बल की एक हदीस है जो आप अपनी मुसनद में नकल करते हैं कि हजरत साद इबन अबी वक्कास ने हुजूर करीम सलवातुल्लाहि अलैह से पूछा कि या रसूल अल्लाह वो कौन है कि जिसकी बला और इब्तिला और आजमाइश बहुत सख्त होती है। हुजूर ने फरमाया अल अंबिया, वो अंबिया होते हैं कि जिनकी इब्तिला बहुत सख्त होती है। वो इब्तिला अंबिया किराम होते हैं जिनकी इब्तिला बड़ी सख्त होती है। सुम अल अमसलू फल अमसल, फिर उनके बाद वो कि जो उनसे बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते हैं, जो जिनके कदम पर ज्यादा चलते रहते हैं, जो जितने उनके कदम पर चलते हैं उनके नहज पर आगे बढ़ते हैं, उन लोगों की इब्तिला बहुत, उनकी आजमाइश बड़ी सख्त होती है। और फरमाते हैं हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम हमारी तसल्ली के लिए फरमाते हैं कि देखो ये बला आकर फौरन नहीं टल जाती बल्कि ये आदमी के साथ लगी रहती है, ये बला उसके साथ लगी रहती है यहां तक के इस आजमाइश और इम्तिहान में पड़ने वाले शख्स को ऐसा पाक साफ कर देती है कि वो जमीन पर फिरता है वो मा अलैहि खतीअतुन, और उसका कोई गुनाह भी बाकी नहीं रहता। मैं तो कहता हूं खता के लफ्ज पर बहस करने वालों, खता के लफ्ज पर हजरत डॉक्टर साहब को पकड़ने वालों, खुदा की कसम डॉक्टर को इस खता के लफ्ज की इब्तिला की वजह से अल्लाह ने मा अलैह खतीअतुन का मिस्दाक कामिल बनाकर निकाला है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्वर अल्फिसानी को जब जेल में डाला गया ग्वालियर में, तो उनके एक मुअतमद उनको खत लिखते हैं, उनके एक मुरीद व मुखलिस के हुजूर चारों तरफ से लोगों की मलामत व तशनीअ आपका मुकाबला कर रही है। कोई कह रहा है साहब बड़े मुतकब्बिर थे यही तो होना था इनके साथ, कोई कह रहा है साहब बादशाह से पंगा ले लिया इन्होंने, कोई कह रहा है खुलफाए राशिदीन की भी अदबी की, उन पर भी ये इल्जाम था, पढ़ लें आप खुलफाए राशिदीन की भी अदबी की, साहब ये अहले बैत को कुछ नहीं समझते, ये तो सबसे बढ़ गए अपने आप को सबसे बढ़ने वाला समझते हैं।
हजरत मुजद्दिद फरमाते हैं मुझे इन तमाम मकामात की अल्लाह ने सैर कराई, मुझे इन तमाम मकामात की अल्लाह ने सैर कराई, और ऐसे सैर कराई जैसे एक खाकरोब होता है झाड़ू देने वाला, वो जाकर बादशाह के खास महल में उसके खास कमरे की झाड़ू लगाकर और नजारे करके वापस आ जाता। ऐसा नहीं कि मैं उस बादशाह के मकाम का या उसके वजीर और अमीर और सफीर और दबीर के मकाम का हूं, मैंने ये सारे मकामात की सैर की। तो हजरत इमाम रब्बानी के मुरीद ने जब उन्हें खत लिखा तो हजरत इमाम रब्बानी क्या फरमाते हैं, अनवार मलामत खल्क। क्या चीज? देखिए, मलामत खल्क, लोगों की मलामत, तशनी, तन, एतराजात। हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं इनको तुम सिर्फ ताना ना समझो, एतराज ना समझो, गिला शिकवा ना समझो, अनवार मलामत खल्क, ये तो मलामत खल्क के अनवार हैं जो अल्लाह की रहमत के बादल बल कर आते हैं और मुझ पर किला ग्वालियर में बरसते हैं और मेरे मामले को नीचे से बाउज किबरिया मी रसानन। मेरे मामले को अज हजीज ताब औज मी रसानन, नीचे से ऊपर किए देते हैं मेरे मामले। हजरात, आप समझ रहे होंगे डॉक्टर साहब वहां परेशान है साहब, आप सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब पे क्या गुजरी। मैं तो कहूंगा कि अनवार मलामत खलक अल्लाह के बादल बनकर उस जेल पर बरस रहे हैं जहां डॉक्टर साहब अंदर हैं। या मुजद्दिद अल्फ़सानी पीर गम खारम मदद, या मुजद्दिद अल्फ़सानी पीर गम खारम मदद, या मुजद्दिद अल्फ़सानी पीर गम खारम मदद। हजरत देखिए हजरत इमाम रब्बानी इस मामले को कैसे फरमाते हैं कि ये मामला मेरे लिए अल्लाह ताला की रहमत बना हुआ है। हजरात किराम परेशान न हो और इस वक्त इब्तिला को इस पर गौर करें कि जो इस वक्त डॉक्टर साहब की हालत व कैफियत है, जब कोई किसी से पूछेगा कि साहब डॉक्टर साहब को किस चीज में गिरफ्तार किया है तो वो कहेंगे साहब एक इल्मी मसला है। आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, हमने वहां ये बात रखी और अब भी हम पूछते हैं कि आप बताइए कि अदालत में क्या ऐसा आदमी बैठा है जो इन मामलात और इन मसाइल को डिस्कस कर सके। इस्तिलाहात शरईया को तो वही लोग समझते हैं जो इससे वाकिफ होते हैं। डॉक्टर साहब का मुकदमा तो किसी यूनिवर्सिटी में चलना चाहिए था, डॉक्टर साहब का मुकदमा तो किसी अजीम शान दारुल उलूम के दारुल हदीस और दारुल इफ्ता में चलना चाहिए था। ये मामला खालिसतन इल्मी मिजाज का मामला है और ये इश्क का मामला है, मोहब्बत इल्मी का मामला है, तो इसको वहां हल होना चाहिए था जहां इसके समझने वाले लोग बैठे हैं। अब वो क्या समझे साहब इन इबारात को, इन बातों को, इन गुफ्तगुओं को। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है फारसी में, बजुर्म इश्क तो कशंदो गोगाएस्त, तेरे इश्क के जुर्म में मुझे पाबजौला करके लिए जा रहे हैं। बजुर्म इश्क तो अम्मी कशंदो गोगाएस्त, तू नीज बरसरे बामा के खुश तमाशाए। है मेरे महबूब, तू भी जरा छत पे चढ़कर, दीवार पर चढ़कर अपने घर की डेवड़ी से मुझे देख ले कि मैं तेरी मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार करके खींचा जा रहा हूं। तू नीज बरसरे बामा के खुश तमाशाए, कि कैसा तमाशा लगा हुआ है, तेरे आशिक को लोग खींच के ले जा रहे हैं। हजरात किराम,
खता के लफ्ज की बात आप करते हैं, बात हुई साहब के खताए इश्तिहादी फजाइल में से है और मकाम मधा में इस्तेमाल होगा इसका या नहीं, आप इमाम रब्बानी से पूछ ले। अच्छा, बड़े मुज्तहिद की खता, एक आम मुज्तहिद है मुफ्ती के दर्जे का शेखुल हदीस साहब, एक आम मुज्तहिद है मुफ्ती के दर्जे का, एक तालिब इल्म मुज्तहिद है, एक बड़ा मुज्तहिद है, तो जो जितना बड़ा मुज्तहिद होगा उसकी खताए इश्तिहादी का उतना ही बड़ा दर्जा होगा। देखिए, जो जितना बड़ा मुज्तहिद होगा और जितने इज्तिहाद से काम लेगा, जिस दर्जा उसका इज्तिहाद होगा, फिर अगर वो उसमें खता पर हुआ तो उसका सवाब से साद से नहीं, जो सा से सवाब है, यानी उस खता पर मुरतब होने वाला सवाब कुर्ब इलाही उतने ही ज्यादा होगा। सुन ले, हजरत इमाम रब्बानी मकतूब 120 में पहले दफ्तर में फरमाते हैं, ला तअदिलु बिस्सुहबति शैअन काइनम मकान, हुजूर की सोहबत का मुकाबला किसी चीज से नहीं किया जा सकता, वो कितनी ही बड़ी फजीलत क्यों ना हो। हुजूर से सोहबत जो सहाबा को हासिल है, इस सोहबत की शराफत, किसी दर्जे की शराफत इसका मुकाबला नहीं कर सकती वो कोई भी चीज हो। इसीलिए उन्होंने फरमाया कि हुजूर के सहाबा अफजल हैं सिवल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अंबिया के अलावा तमाम तर अवलिया से। वह इनकाना वैसन करनियन औ उमरन मरवानियन, अगरचे वो खैर उत्ताबेईन वैसे करनी हो या खलीफे शशुम हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज क्यों ना हो। अब आगे फरमाते हैं, सुनिए गौर से सुनिए, तुलबा बैठे हैं, बातें तुलबा से करनी है। फरमाते हैं, फला जरमा, तो जब तुमने सहाबा की शान मालूम कर ली, शरफ सोहबत को जान लिया कि किस अजीम पाए की शराफत है सोहबत नबवी, फरमाते हैं फला जरम खता मुआविया, फला जरम खता मुआविया खैरन मिन सवाबिहिमा बिबरकत सोहबा, फरमाते हैं मुआविया की खता उमर इब्न अब्दुल अजीज और उवैस करनी की सवाब और अच्छाई से बेहतर है। फला जरम, फला जरम सारा खता मुआविया खैरन मिन सवाबिहिमा, साद से सवाबिहिमा, इन दोनों के सवाब से, बिबरकत सोहबा हुजूर की सोहबत से, वसाहु सीन से, सीन से वसाहु अम्र इब्न العاص अफ़ضل من صحوهما صاد से, صاد से, और अम्र इब्न العاص की सहु खता, वो सहु यानी होशियारी की कैफियत जिसे صاد से सहु कहते हैं, वो उमर इब्न अब्दुल अजीज और उवैस करनी की होशियारी की कैफियत से तो उमर अम्र इब्न العاص की एक सहु बेहतर है। हजरात किराम, मुजद्दिद से पूछिए खताए इज्तिहादी का मर्तबे का, मुजद्दिद से पूछिए कि ये खता उनके सवाब से बेहतर है, इनकी सहु उनकी सहु और बेदारी से बेहतर है। ये क्या बात है जो डॉक्टर साहब को इतनी सी बात पर इतना तंग किया जा रहा है। ये यही है कि इंशाअल्लाह खता के लफ्ज पर पकड़े गए हैं और जब बाहर आएंगे तो वह मा कानत अलैहि खतीअतुन, पाक साफ होकर तशरीफ लाएंगे, मजीद दरजात बुलंद हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक अता फरमाए। अभी बात हो रही थी कि ये गुलिस्तान डॉक्टर साहब ही का लगाया हुआ है, इसका हर पौधा डॉक्टर साहब ने लगाया है और इसकी कियारियों को खुद पानी दिया है, ये लोग उन्होंने खुद तैयार किए हैं जो इस वक्त उनकी हिमायत में अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला
اہل سنت کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت کو اہل دل بنائے صاحب. یہ جو اس قسم کا اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور پھر ادھر ادھر سے جو بات مخالف چل رہی ہے، یہ ایک عجیب کیفیت برپا ہے. میں تو بخدا دوبارہ کہوں گا کہ میں واقعی ایسے لگ رہا ہے جیسے میں یہاں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا، اور میں یہ تو قسمیاں کہتا ہوں کہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہ ہیں فرحان صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے مجھ سے نہیں کہا کہ آپ گفتگو کریں گے، مجھ سے انہوں نے نہیں کہا، نہ میں اس ذہن سے آیا تھا. یہاں آیا تو یہ کچھ باتیں خطا کے متعلق میرے ذہن میں آ گئی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. ڈٹے رہیں، جمے رہیں صاحب، اور اس معاملے کو جیسے ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو مراتب دیے ہیں آپ اس کا سبب بن رہے ہیں صاحب. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی توفیق میں اضافہ فرمائے، اور حکومت وقت سے اور اداروں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس قسم کا اقدام کرنے سے تو ان پر جو یہ اب تو ڈاکٹر پر ابتلا، ڈاکٹر صاحب پر تو ابتلا ہے، اور یہ ابتلا کہیں ان کے سر پر بلا بن کر نہ برس پڑے. کیونکہ جو اہل دل کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے بیانات سے ہدایت حاصل کی ہوگی، ان کے اس ادارے سے فائدہ حاصل کیا ہوگا. آپ نے یہ بڑا خیر کا ذریعہ بند کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تو بند نہیں ہو سکتا، ان اس کے روکنے والے انشاءاللہ پاش پاش ہو جائیں گے. حضرت مجدد فرماتے ہیں بادشاہ کو کہ ایک لشکر غذا ہے، ایک لشکر دعا ہے. بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ صاحب تمہارے پاس اگر غذا اور جہاد کا لشکر ہے، ہمارے پاس دعا کا لشکر ہے. ہم حضرت امام ربانی کی اولاد ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بخیر و خوبی اور عزت و آبرو کے ساتھ واپس لوٹائے، اور اس ادارے کی زینت بلکہ اس تمام جہان کی زینت بنائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.